सारा समझ गया आप। अभी कुछ सेट लाए थे रिपेयर करें? हाँ सर, बन कितने बना लिए? एक ये भी सेट है आपका ही था ना, नेटवर्क का? हाँ सर। आप साथ में लाए थे? हाँ सर, साथ में। K20 Pro? K20। क्या प्रॉब्लम था थोड़ा सा बताओ इसमें। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम था, पहले हम लोगों ने ट्रेस किया, फिर जाके क्या सर क्या क्या काम कर दिए थे पहले वो बताओ। पहले इसका 2GPA चेंज किया था और 4GPA, फिर बाद में DDA, ये WTR चेंज किया, APT पावर तो सब चेंज करने पर इसमें तो SDR 8150 लग के 50 था, वो भी निकाल दिए थे। अपन जब चेक करे तो क्लॉक में क्या वैल्यू आ रहा था आपको? क्लॉक में ये GR आ रहा था, एक में कितना कितना दोनों डिफरेंस 720 कुछ आ रहा था और एक में क्या है 450-450 तक। फिर APT पावर आप APT पावर रिवॉल्व किए तो जब जाकर बैलेंस हुआ। फिर लाइव क्लास में सर आपको रिपेयर करें? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम निकला लास्ट में इसमें? लास्ट में एक रजिस्टर था जो कि 0 ओम्स का था। थोड़ा इधर भी घुमाओ भाई, थे लाइव बनाए कि नहीं बनाए सेट? लाइव बनाए ना, ये एक रजिस्टर की वजह से फोन क्या हो गया था हमारा, नेटवर्क इश्यू आ गया था। हाँ, फिर एक छोटा रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेक्शन के बारे में नहीं सीखे थे तो सब कुछ चेंज करना पड़ता था, जंपर मार के देखते थे हम। हाँ, अब जब क्लास करिए तो आज रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम आ गया था ना इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप देखें, पूरा डायग्राम बना के अपन सीखे, ठीक है? तो कोई आना चाहे आपके सिटी से क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते हैं सर, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितना एक्सपीरियंस हम आगे, बहुत टाइम लगता है, उतना क्या कम टाइम में यहाँ पे वो जो ट्रिक है उससे बहुत ज्यादा सीखने को। कहाँ से आप? बस कर्नाटक से। कर्नाटक से, ठीक है भाई, इनके लिए 2000 क्लास। थैंक यू वेरी मच। फोन है, इसके अंदर जो इशू है नेटवर्क का इशू है, जो इसके अंदर सिम लगा हुआ है। पहले सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर देखेंगे तो सिम कार्ड या जो एयरटेल जो है अपना शो कर रहा है प्रोवाइडर यहाँ एयरटेल का, और यहाँ देखेंगे जो एयरटेल के अंदर जाएंगे प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, ये सारा चीज़ जो है हाइड है इसके अंदर। और यहाँ देखेंगे अपन मोबाइल नेटवर्क, इसके अंदर जैसा सर्च करें तो ये बता देगा कुड नॉट सर्च मोबाइल प्रोवाइडर लिस्ट। नॉट सर्च फॉर मोबाइल नेटवर्क्स। तो यहाँ जो इशू आता है ये नॉर्मली आपको जिसके अंदर जो इसके अंदर यहाँ बता देता हूँ मैं, जो जैसा अपन कॉल करते हैं तो इसके अंदर शो करता अपने को, कॉल करेंगे नॉर्मली 198 लगा रहा हूँ मैं कॉल, तो टर्न ऑफ एरोप्लेन मोड, टर्न ऑफ एरोप्लेन मोड और कनेक्ट टू ए वायरलेस नेटवर्क मेक ए कॉल, मतलब ये फ्लाइट मोड के अंदर है बोल के शो कर रहा है। सैमसंग के मॉडल के अंदर ये ऑटो फ्लाइट मोड भी शो करता आपको, और यहाँ देखेंगे जो रेडियो ऑफ के लिए चेक करता हूँ मैं, बैक आ रहा हूँ *#*#4636****, यहाँ फ़ोन इंफॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ मोबाइल रेडियो पावर ऑफ है, तो इसको जैसा मैं ऑन कर दिया और जैसा बैक जाएंगे फिर चेक करेंगे ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है, यहाँ से ऑफ हो जाता। इसकी जो इशू है इसके अंदर जो ऑलरेडी इसके अंदर रिपेयर करे कुछ लोग, और यहाँ देखेंगे पहले यहाँ जो ऑलरेडी जो है WTR जो SDR लगा हुआ है इसमें 8150, ये सारा कुछ जो है ऑलरेडी निकाले हुआ है, रिवॉल्व करे हुआ है, लगा हुआ है, ये सारा चीज़ जो है सब जगह जो है हीट सब पेश कीच लगा हुआ दिख रहा है। यहाँ देखेंगे इसके अंदर पीछे की तरफ देखेंगे, यहाँ ये वाला चीज़ जो है अपने को APT पावर लगा हुआ है, और यहाँ बीच में जो है छोटे छोटे स्विच लगे हुआ है, सारा चीज़ एंटीना स्विच जो लगा हुआ है, और
जो चेक करेंगे, जब रेडियो ऑफ में रहता तो जो एचडीआर को मिलने वाले वोल्टेज सारे क्या होते, बंद में रहते। तो यहाँ चेक करेंगे, पीसीबी को बोर्ड के अंदर मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद बैटरी आउटसाइड से बैटरी निकाल लेता हूँ और ये भी निकाल ले रहा हूँ, उसके बाद बैटरी कनेक्टेड है और फोन को ऑन कर लेंगे पहले। ठीक है, अभी अपना फोन ऑन हो गया। जैसा फ़ोन ऑन हो गया तो यहाँ चेक करेंगे जो एचडीआर लगा हुआ है, तो एचडीआर के अगल बगल में सारा कैप्स के ऊपर चेक करेंगे कुछ वोल्टेजेस मिल रहे या नहीं मिल रहे। ये जो बड़े बड़े कैप दिख रहे या ठीक है दिख रहा है अभी ओके। यहाँ जितने भी कैप दिख रहे हैं जो एचडीआर के लिए जो वोल्टेजेस आते हैं नॉर्मली 0.8, 1.2 और इसके अंदर आपको 0.80, ये सारा वोल्टेजेस मिलेंगे एचडीआर के पास। तो चेक करेंगे यहाँ एचडीआर पे कोई वोल्टेज मिल रहा क्या, यहाँ देखेंगे एचडीआर पे आ रहा है अपने को 0.8 इधर मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे अपन, इसके ऊपर देखेंगे यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसके ऊपर कोई वोल्टेज है क्या, यहाँ भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी कोई वोल्टेज है नहीं, सिर्फ इसके ऊपर 0.80 आ रहा है एक। और यहाँ देखेंगे ये वाला कैप के ऊपर, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। और ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है इसके ऊपर अपने को यहाँ 1 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ भी कोई टाइप ऑफ वोल्टेज यहाँ भी नहीं है, इस पे भी वोल्टेज आना चाहिए, इस पे भी नहीं है। तो इसके ऊपर सिर्फ 0.80 का एक ही वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज एक ही वोल्टेज बन रहा है और बाकी का कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे 4GPA लगा हुआ है, 4GPA के पास चेक करेंगे, यहाँ 4 वोल्ट का सप्लाई एक मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे इसके ऊपर कोई वोल्टेज है क्या, ये वाला कैप के ऊपर 1.8, यहाँ देखेंगे 1.8 की VIO इन हो रहा है इधर। तो 4GPA को जो मिलने वाला जो है ये वाला वोल्टेज इसको आ रहा है। और यहाँ 2GPA जो लगा हुआ है इसके पास चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे अपने को यहाँ इसके अगल बगल में इधर देखेंगे यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और
इसका यहाँ चेक करेंगे, यहाँ कुछ 1.8 की वोल्टेज VAO का इन यहाँ भी आ रहा है, इधर यहाँ देखेंगे 1.8 की एक सप्लाई आ रहा है। और जैसा एक कॉमन वोल्टेज होता अपने को जो 4 वोल्ट की सप्लाई, वो भी चेक करेंगे यहाँ, ये भी मिल रहा है अपने को। तो जस्ट अपने को इतने सारे वोल्टेज जो बनाना है, जो पावर से आने वाला वोल्टेज है SGR को, उसमें से जस्ट अपने को 0.80 का एक ही वोल्टेज मिल रहा है अपने को, बाकी सारा वोल्टेज जो है कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेजेस WTR को जो अपना SGR को एक्टिव करने के लिए कोई वोल्टेजेस नहीं मिल रहे। तो जैसा PA को मिलने वाला है 1.8 वोल्ट, यहाँ मिल गया अपने को एक 1.8 वोल्ट, और यहाँ भी मिल गया अपने को एक 1.8 वोल्ट, और यहाँ भी मिल गया जो PA के पास जो अपना जो VPH लाइन आता उसका वोल्टेज यहाँ मिल गया, और यहाँ भी अपने को एक VPH वोल्टेज यहाँ भी मिल गया। तो इतने सारे वोल्टेजेस तो मिल रहे हैं अपने को, और सारा इसी जो है ऑलरेडी कोई काम करा हुआ है, रिवॉल्व गिवॉल्व कर दिए, सब चीज़ चेक कर लिए। और यहाँ भी है अपना एक छोटा सा ट्यूनर जो DRX का होगा, इसके अंदर देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी 1.7 का जो वोल्टेज है, यहाँ भी बन रहा है 1.7 का वोल्टेज, और इसके अंदर भी अपने को 1.7 का वोल्टेज यहाँ भी बन रहा है। और नेक्स्ट देखेंगे जो बैक तरफ देखेंगे, इधर तरफ भी देखेंगे एक बार, तो यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ भी देखेंगे जो यहाँ भी अपने को एक 3.0 वोल्टेज बनना है, यहाँ भी चेक करेंगे एक वोल्टेज, यहाँ भी कुछ वोल्टेज यहाँ भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे एक, यहाँ भी एक 1.8 की वोल्टेज बनना है अपने को, यहाँ भी कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज यहाँ भी नहीं है, और रेजिस्टेंस पे भी देखेंगे यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। और यहाँ देखेंगे VPA APT जो APT पावर लगा हुआ है इसके ऊपर चेक करेंगे, इसके अंदर इन वोल्टेज कुछ मिल रहा क्या, या 3.76 यहाँ वोल्टेज मिल रहा है जो VPH लाइन है, और इसका आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज मिलना है ये वाला कैप पे मिलेगा, यहाँ चेक करेंगे यहाँ कुछ वोल्टेज, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सारा वोल्टेजेस अपन चेक कर लिए, सभी पे कोई पे कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेजेस जो है नॉर्मली एक PA को आने वाला वोल्टेजेस मिल रहे हैं, और VAO का वोल्टेज मिल रहा है, और जो अपना नॉर्मली VPH मिल रहा है वो छोड़ के बाकी का सारा वोल्टेज जो है कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, और एक वोल्टेज बन रहा है अपने को 0.80 का एक ही वोल्टेज, SGR का वोल्टेज एक ही सिंगल वोल्टेज बन रहा है। तो इसको ज़रा मैं निकाल देता हूँ, निकाल दे के इसका कूल टेस्टिंग कहाँ करना है, क्या क्या करना है, मैं टेस्टिंग बताता हूँ आपको। इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ जो मैं इसका सारा डायग्राम डाल चुका हूँ, इसके अंदर जो है अपना ये जो हो गया अपना SGR 8150, और इसके जो इनपुट लाइन्स आ रहे हैं अपने को VRG L5 0.8 का, और 0.87 का, 0.18 का, 1.7 का, 1.2 का, 0.80 का, ये सारा वोल्टेजेस अपन चेक कर लिए थे। इसके अंदर जो है अपने को 0.8 वोल्ट सिंगल एक 87 वाला, ये वाला L5A का ये वाला वोल्टेज एक मिला था अपने को, बाकी का कोई वोल्टेज तो नहीं मिला था। और यहाँ जो है अपन एक्चुअली चेक करने का लाइन जो है अपने यहाँ जो दिखा था अपने 4 वोल्ट का दिखा था, VAO 1.8 दिखा था 2G PA के पास, 4G PA के पास, यहाँ भी अपने को 1.8 का एक VAO मिला था, और इसके ऊपर भी VPH की लाइन मिला था अपने को, और इसके ऊपर जो है अपना यहाँ जो देखेंगे इसके अंदर जो है ये वाला जो एंटीना कनेक्शन से लेके यहाँ छोटे छोटे स्विच दिया हुआ है, इसके अंदर भी अपना यहाँ भी 2.7 का वोल्टेज आता है, इसके लिए 1.8 2.7 दो वोल्टेज आ रहे हैं, इसके लिए भी अपने को 1.8 का वोल्टेज यहाँ भी मिल रहा है, इसके अंदर भी VAO इनपुट हो रहा है ये 1.8 का।
तो ये सारा वोल्टेजेस जो है अपने को सारा वोल्टेजेस कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेजेस नहीं बन रहे, सिर्फ सिंगल वोल्टेज ये वाला अल्फा ये वाला एक ही वोल्टेज बना रहा है और बाकी का जो है जो आईसी के लिए 1.8 वोल्टेज है ये वाला वोल्टेजेस बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे इसका जो क्लॉक डाटा का लाइन जो है इसके अंदर जो अपने को इसके अंदर जो आ रहा है इसका जो I2C का क्लॉक और डाटा नंबर डाटा का जो है ये वाला पिन्स को अपन चेक कर लेंगे, जो 4GPE के पास भी चेक कर सकते हैं आप और 2GPE के पास इसे ही कनेक्टेड है, ये दो लाइन जो है अपने को इसे लेके 2GPE के पास कनेक्टेड है और ये वाला एक ऐसी उठा के इसका जो है अपन इसका जो रीडिंग ले लेंगे 6 नंबर और 5 नंबर पर। तो एक बार मैं इसका जो ऐसी लिफ्ट कर देता हूँ, आईसी को लिफ्ट कर लिए, जैसा आईसी को लिफ्ट हो गया उसके बाद जो है अपना आईसी का जो है 1 नंबर यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये वाला पॉइंट के अंदर जो है अपने को यहाँ से लेके अपने को जो पिन नंबर 1 स्टार्ट हुआ अपने को, तो 1 पिन नंबर 1 से लेके यहाँ से आईसी का डॉट है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पांच और 6 नंबर पे चेक करेंगे यहाँ जो जितना रीडिंग आ रहा है अपने को कूल टेस्ट के अंदर, ताकि एचडीआर का जो क्लॉक डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा अपने को यहाँ समझ में आ जाता। तो यहाँ निकाल दिया मैं आईसी को 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे देखेंगे 456 आ रहा है और 6 नंबर पे देखेंगे अपने को 392 आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों का रीडिंग जो है एक ही टाइप में रहता अपने को, जो इसके अंदर भी रीडिंग आ रहा है यहाँ भी अपने को रीडिंग दोनों का रीडिंग जो है अपने को प्रॉपरली मिल रहा है, मतलब अपना एचडीआर से जो लाइन है ये वाला भी अपने को ओके है। और इसका आउटसाइड में चेक करने के लिए कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए जो है आईसी लिफ्ट करके चेक करना पड़ता। तो यहाँ भी देखेंगे इसको पीए को पहले जैसा है वैसा फिक्स कर लेंगे ताकि ये वाला लाइन भी अपना कनेक्टेड है। तो अभी दिख रहा है आईसी तो अपना कनेक्टेड हो गया और जो इसके अंदर जो है इसका अपने को सारा चीज़ के अंदर ये वाला लाइन चेक कर लिए अपन, ये वाला लाइन चेक कर लिए इसके अंदर अपना 5 और 6 नंबर पे अपने को रीडिंग ओके आ रहा था, इधर जो एचडीआर का क्लॉक डाटा अपने को मिल रहा था और नेक्स्ट मिलता अपना। अभी ये वाला देखेंगे जो अपना आईसी को अपना सीपीयू से मिल रहा है, जो इसके अंदर आउट वाला लाइन तो कनेक्टेड है इसका, मगर इसका इनकी लाइन के अंदर चेक करेंगे और ये वाला लाइन जो है अपना छोटे छोटे फिल्टर के अंदर जो भी यहाँ भी जा रहा है अपने को, इसके अंदर छोटा एंटीना स्विचेस के अंदर भी यहाँ भी जा रहा है अपने को, इसके अंदर भी गया, इसके अंदर भी गया। तो ये सब चीज़ चेक करेंगे इसके अंदर जो है, बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रजिस्टर यहाँ कनेक्टेड दिख रहा है ये। तो यहाँ देखेंगे अपन जो CPU से आने वाला I2C जो है इसका, तो यहाँ देखेंगे अपन सीधा इसके पास जो है ये वाले स्विचेस जो है, ये वाला सारा स्विचेस जो है, ये वाला सारा स्विचेस जो है एंटीना की लाइन के अंदर यहाँ से लेके कनेक्टेड है। यहाँ भी एक दिख रहा है, यहाँ भी अपने को एक 2.7 का वोल्टेज मिलता,
यहाँ भी अपने को एक 2.7 का वोल्टेज दिख रहा है ना, तो यहाँ भी अपने को एक 2.7 का वोल्टेज मिलता और यहाँ भी अपने को जो है 1.8 का एक वोल्टेज मिलता ये वाला इसके अंदर। और यहाँ देखेंगे अपने को जो यहाँ देखेंगे अपने को आईसी के पास का यहाँ ये ऊपर वाला जो है ये भी अपना जो है ये वाला RFFE क्लॉक और डाटा है, ये इसके अंदर एक रेजिस्टेंस जो है अपना यहाँ मिसिंग हो गया, यहाँ दिख रहा है तुम्हारे को एक रेजिस्टेंस जो है इधर मिसिंग हो गया। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये वाला स्विच जो है अपना यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी अपने को एक 2.8 की सप्लाई यहाँ भी मिलता है, यहाँ 1 वोल्ट मिलता है, ये छोटे छोटे स्विचेस के अंदर लेके जो CPU से लाइन आ रहा है, ये वाला CPU से लाइन आ रहा है, ये वाला लाइन जो है यहाँ से अपने को इसके अंदर भी जो क्लॉक और डाटा इन हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ जो है ऊपर यहाँ देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो है एक क्लॉक डाटा के अंदर का एक रजिस्टर जो है यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये अपना ये कोई रिमूव करते इस टाइम में यहाँ का एक रजिस्टर जो है इधर रिमूव हो गया। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला तो अपना R0110 है ये वाला रजिस्टर। तो ये वाला रजिस्टर जो HDR को मिलने का जो इनपुट लाइन के अंदर जो है इसका जो लाइन ओपन हो गया है इधर, इसलिए जो है अपना जो सेक्शन पूरा ऑफ के अंदर पड़ा हुआ है और अपने को जो रेडियो ऑफ करके अपने को शो कर रहा है और कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर कॉल कर। तो ये वाला जो चीज़ है इसको अपन एक छोटा सा इधर जम्पर करेंगे, ये नॉर्मली एक 0 ohms के रजिस्टर्स है ये, तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे इसके अंदर ये वाला रजिस्टेंस जो ओपन दिखा रहा है अपने को, इसका एक तरफ का रीडिंग ठीक है यहाँ का एक तरफ का रीडिंग जो है यहाँ तरफ का रीडिंग ये देखेंगे अपन, इसके तरफ का एक तरफ का रीडिंग जो है अपने को 850 आ रहा है और यहाँ देखेंगे अपने को ये वाला जो रीडिंग आ रहा है अपने को IC के तरफ से आ रहा है, जो ये वाला रीडिंग जो है अपने को CPU के तरफ से आ रहा है। यहाँ देखेंगे रीडिंग कितना है 466, यहाँ देखेंगे अपने को 466 सेम रीडिंग मिल रहा है, मगर ये वाला लाइन जो है अपना ओपन है इसलिए जो है अपने को, मगर ये IC से ये वाला लाइन कनेक्टेड है इसलिए सम GR470 का जो GR है इधर शो कर रहा है अपने को और यहाँ जो है अपना 849 का GR शो कर रहा है। इसको 0 ohm का रजिस्टर रहता है, इसको शॉर्ट कर सकते तो नॉर्मली इसको एक छोटा सा जम्पर कर लेंगे यहाँ। हल्का सा इसको मैं शॉर्ट कर लिया तो यहाँ से लेके नॉर्मली ये शॉर्ट हो गया अपने को। तो यहाँ चेक करेंगे इसके अंदर, यहाँ रीडिंग चेक कर लेंगे अभी 474 का रीडिंग, ये भी ओके हो गया अपने को। यहाँ भी अपना 456 का रीडिंग जो है सेम रीडिंग अपने अंदर आ गया इधर। तो ये वाला इसी को सारा जो चीज़ अपने को मिल गया। अब चेक करेंगे जो है अपने अंदर अपने फ़ोन के अंदर सारा वोल्टेजेस बन रहा या नहीं बन रहा है। Okay.
अपना फोन ऑन हो गया। अब चेक करेंगे यहाँ SDR के अंदर जो वोल्टेजेस मिलना है, ये सारा वोल्टेजेस जो है यहाँ एक ही पॉइंट पे अपने को वोल्टेज मिल रहा था। अभी ये चेक करेंगे इसके अंदर यहाँ कितना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ एक बार यहाँ चेक करेंगे 0.87 यहाँ मिल रहा है। अभी यहाँ देखेंगे इसके अंदर जो है 0.60 से 0.70 तक का वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, तो 1.8 का वोल्टेज यहाँ भी आ गया अपना। और यहाँ चेक करेंगे यहाँ भी अपना 1.9 का वोल्टेज आ गया। और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी अपना 0.80 का वोल्टेज, यहाँ भी अपना वोल्टेज बन रहा है। लाइट फ्लक्चुएशन के अंदर है ताकि नेटवर्क आ रहा जा रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे अपना, यहाँ भी अपने को इसके अंदर भी जो है सेम लाइन है, एक ही लाइन है। तो यहाँ भी वोल्टेज आके जा रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन, ये सारा जो भी सारा लाइन पे जितने भी जो वोल्टेजेस लाइन्स है सब एक्टिव हो गया। अभी सारे पे अपने को वोल्टेजेस मिलना स्टार्टअप हो गया। इधर सब पे वोल्टेजेस अपने को मिल रहा है, सारा वोल्टेजेस अपने को यहाँ सभी के ऊपर अपने को वोल्टेजेस सब चीज़ मिल गया। और यहाँ देखेंगे अपना बैक साइड, इसको टर्न करके देखेंगे इसके अंदर अपना फ़ोन के अंदर। एक बार मैं इसको पावर की को ऐसा इधर से प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ देखेंगे अपना चलो कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे अपना नेटवर्क जो है हल्का सा यहाँ दिख रहा है, एक पॉइंट आया वो दिख रहा है, वन पॉइंट दिख रहा है, सिंगल पॉइंट दिख रहा है, ताकि जो है इसका एंटीना कनेक्टेड नहीं है। एक बार मैं इसका एंटीना को भी यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। इसका एंटीना को भी यहाँ मैं कनेक्ट कर दिया। जैसा मैं एंटीना को कनेक्ट कर दिया तो यह अपना नेटवर्क जो है अपना अप हो जाता है इसका। तो एक बार मैं इसको प्रॉपरली, और एक एंटीना भी है इसका, यहाँ भी है, तो ये भी एक बार यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। भी कनेक्ट हो गया अपना। तो एक बार इसको वन पॉइंट तो दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करके फिर से फिट करके चेक करेंगे। इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, सारा निकाल दे के सारा चीज़ बोर्ड को फिक्स कर देंगे पहले इसके अंदर जो है। बार इसको ऑन कर लेंगे और ऑन करके चेक करेंगे कि प्रॉपर नेटवर्क आता है कि नहीं आता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा इसमें I2C लाइन का इशू था, इसी कारण इसमें रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम आ रहा था, जिसमें जो एंटीना स्विचेस होते हैं उसके ऊपर छोटे से ICOs को यूज़ किया जा रहा है अभी, जिसमें I2C की सप्लाई आती है और वो एंटीना के पैड्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसमें क्लॉक का सप्लाई मिस होने के कारण सारा I2C लाइन बंद हो चुका था, जिसके कारण वोल्टेजेस आउटपुट नहीं बन रहे थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है। एक बार हम कॉल कर लेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक और फ़ोन है, उस पर मैं कॉल करके आपको बताना चाहूँगा कि कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, एक बार देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम लोग ऊपर देख सकते हैं नेटवर्क आ चुके हैं इसमें, और एक बार कॉल कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और ये जो हैंडसेट है फ्रेंड स्टूडेंट का ही है, और लाइव क्लास में हमने इसको बनाया है स्टूडेंट के सामने, सारे रॉन्ग नंबर हमने मिला दिया है तो कॉल नहीं लगेगा। एक बार कट करके नंबर को वापस से चेंज करते हैं।
ये नंबर रॉन्ग हमने कॉल कर दिया था, थोड़ा सा कट करते हैं और दूसरा नंबर मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हैंडसेट है स्टूडेंट साथ में लेके आए क्लास के अंदर, तो लाइव हमने बना के बताया है उनको, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इनका रिव्यू भी देखेंगे आप वीडियो के शुरुआत में या एंड में। आपने देखा होगा स्टूडेंट सारे हैं जो अभी रिव्यू दे रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कॉल लग रहा है और हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सारा समझ गए आप, अभी कुछ सेट्स लाए थे रिपेयर करें? हाँ सर, कितने बना लिए? एक ये भी सेट है आपका ही था ना, नेटवर्क का? हाँ सर। आप साथ में लाए थे? हाँ सर, साथ में। K20 Pro? K20। क्या प्रॉब्लम था थोड़ा सा बताओ इसमें? ये नेटवर्क का प्रॉब्लम था, पहले हम लोगों ने ट्रेस किया, फिर जाके क्या सर क्या क्या काम कर दिए थे पहले वो बताओ। पहले इसका 2GPA चेंज किया था और 4GPA, फिर बाद में DDA, ये WTR चेंज किया, APT पावर इतना सब चेंज करने पर इसमें तो SDR 8150 लग के 50 था, वो भी निकाल दिए थे, वो भी निकाल दिए थे। अपन जब चेक करे तो क्लॉक में क्या वैल्यू आ रहा था आपको? क्लॉक में ये GR आ रहा एक था, में कितना कितना दोनों डिफरेंस? 720 कुछ आ रहा था और एक में क्या है 250-450 तक आ। फिर APT पावर रिवॉल्व किए तो जब जाकर बैलेंस हुआ। फिर लाइव क्लास में सर आपको रिपेयर करे, क्या प्रॉब्लम निकला लास्ट में इसमें? लास्ट में एक रजिस्टर था जो कि 0 ओम्स का था। थोड़ा इधर भी घुमाओ भाई, देखो लाइव बनाए कि नहीं बनाए सेट? लाइव बनाए ना ये? एक रजिस्टर की वजह से फोन क्या हो गया था हमारा, नेटवर्क इश्यू आ गया था। हाँ, फिर एक छोटा रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेक्शन के बारे में नहीं सीखे थे तो सब कुछ चेंज करना पड़ता था, जंपर मार के देखते थे हम। हाँ, अब जब क्लास करके तो आज रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम आ गया था ना इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप देखे, पूरा डायग्राम बना के अपन सीखे। ठीक है, तो कोई आना चाहे आपके सिटी से क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते हैं सर, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितना एक्सपीरियंस हम आगे, बहुत टाइम लगता है, उतना क्या कम टाइम में यहाँ पे वो जो ट्रिक है उससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। कहाँ से आप? बस कर्नाटक से। कर्नाटक से, ठीक है भाई, इनके लिए 2000 क्लास। थैंक यू वेरी मच।